हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज हम मछली बनाएंगे और उसका पावर डिप्टी भी चला गया है और मछली बाज़ार से ला भी दिया है। और देखिए, हम मछली पहले हम धो लेते हैं, उसके बाद हम मछली बनाएंगे। देखिए इधर मेरा मछली है, पहले हम धो लेते हैं मछली को। मछली हम धो लिए हैं, हल्दी और नमक डाल देते हैं और तेल भी हम इधर चढ़ा दिए हैं। तेल भी मेरा गर्म हो रहा है, तब तक हम हल्दी और नमक से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए इधर हम मछली धो लिए हैं, इसमें नमक और हल्दी डाल देते हैं। नमक हल्दी डाल दिए हैं, नमक भी डाल दिए और इसमें अच्छी तरह से हम पहले इसको मिला लेते हैं। देखिए मेरा तेल एकदम पूरा गर्म हो गया है। हल्दी और नमक हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं और मछली को डाल देते हैं। मेरा प्याज, हम देख लेते हैं मेरा प्यांसू बेटा क्या कर रहा है, क्या बोलता है। देखिए मेरा प्यांसू बेटा उठ गया है सुबह सुबह। क्या बेटा फोन देख रहा है? तो हाँ, इधर बाबू के लिए हम थोड़ा आम रखे हैं। रियान साज आम लेके स्कूल गया है टिफिन में, तो हम सोचे बाबू को भी थोड़ा खिला देते हैं। तो बाबू को हम थोड़ा आम खिला देंगे। क्या पहली बार आम खाएगा मेरा प्यांसू? हाँ पहली बार आम खाएगा। क्या क्या हुआ? टिफिन नहीं जानता है कि आम कैसा लगता है, और पहली बार आम खाएगा मेरा प्यांसू बेटा। देखिए हम थोड़ा बाबू को आम खिला देते हैं। खाओ आम, खाओ आम, खाओ खाओ। देखिए इधर मेरा मछली फ्राई हो रहा है, तब तक हम प्याज काट लेते हैं। प्याज हम इधर रखे हैं, प्याज हम पहले काट लेते हैं। इधर मेरा प्याज है और पहले हम मसाला पीस के रखे थे। इधर मेरा सरसों है और इधर अदरक है, लहसुन है, खीरा है और प्याज है और धनिया है। हम पहले पीस के रख लिए थे क्योंकि लाइन कट जाएगा तो मेरा दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम पहले पीस के रख लिए हैं। तब तक मेरा मछली फ्राई हो रहा है, तब तक हम प्याज काट लेते हैं। क्या दोस्तों, बहुत ही गर्मी लग रहा है क्या? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी बढ़ा दिया है, दुख भी बहुत दे रहा है और ऊपर से हम प्याज काट रहे हैं। प्याज में सब लोग जानते हैं क्या होता है, प्याज काटने से थोड़ा आँख जलता है, हमें आँखें भी आ जाता है, तो प्याज भी जरूरी है डालना। क्या बहुत गर्मी दे रहा है, हम सुबह सुबह नहा लिए हैं। तो मेरा रियान बेटा स्कूल गया है, वो भी आ जाएगा 10:30 बजे तक। प्याज को पहले काट लेते हैं, तब तक उधर मेरा मछली की फ्राई हो रहा है। इधर मेरा मछली फ्राई हो चुका है, हम पहले उसको उठा लेते हैं। गर्मी लग रहा है, पहले हम उसको उठा लेते हैं और एक बार मेरा होगा उठने रहा है, नीचे गिर जा रहा है और एक बार होगा हम डाल देते हैं। रियाम का फेवरेट है, रियाम से वाला खाता है तो मेरा भी फेवरेट है। जब भी मछली लाते हैं उसका पापा, मेरे लिए लाता ही है। मेरा मछली जब फ्राई करते हैं उसमें बहुत ही डर लगता है। मेरा मछली भी फ्राई हो गया है, मछली फ्राई हो गया है और इधर मेरा प्याज भी फ्राई हो रहा है। मसाला भी डाल दिए हैं, मसाला भी फ्राई हो रहा है। हम सरसों अभी नहीं डाले हैं, सरसों हम अभी डाले नहीं है। पहले हम अदरक लहसुन जीरा और धनिया को अच्छी तरह से पहले हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम सरसों पेस्ट डाल देंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं।
देखिए हम सरसों भी डाल दिए हैं, सरसों को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। सरसों भी हम डाल दिए हैं, सरसों को हम अच्छी तरह से पहले हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम पानी डालेंगे। देखिए इधर हम पानी भी डाल दिए हैं। मेरा सरसों का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो गया था, हम पानी भी इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा डाल देते हैं। पानी भी हम डाल दिए हैं, मछली भी डालेंगे 5 मिनट बाद। हम मछली भी डाल दिए हैं। इधर हम एगो रखे हैं, प्यासो खाएगा पता नहीं, वो माँस तो हम नहीं खिलाए हैं, फिर भी देखते हैं खिलाकर खाएगा या नहीं। और इधर मेरा चावल भी हो गया है, उधर मेरा दाल भी हो गया है, और इधर मछली बना रहे हैं हम। सब्जी नहीं बनाएंगे, भिंडी है तो सब्जी नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है, इसी से आज हम काम चलाएंगे। 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, 10 मिनट दबक जाएगा उसके बाद हम उतारेंगे। इधर मेरा मछली बन के तैयार हो गया है, इधर बिना तीखा वाला हम पहले उठा लिए हैं, ये वाला मेरा तीखा वाला है। मेरा मछली भी बन गया है, रियांश भी स्कूल से आ जाएगा, और इधर प्यांशु आ कर रहा है। सो बेटा है आ कर रहा है, क्या बेटा क्या बेटा क्या हुआ क्या हुआ, मछली खाएगा तू? देखिए आ कर रहा है, वो भी बोल रहा है कि हम भी बात करेंगे आप लोग के साथ। प्यांशु बेटा कैसे मछली खा रहा है, क्या बेटा अच्छा लग रहा है ना? तुम तो नहीं बोल सकेगा क्या? लो मछली खा रहा है मेरा बाबू, पहली बार मछली खा रहा है, वो स्वादिष्ट वो अच्छा ही लगेगा क्या? अभी बोल नहीं पा रहा इसीलिए, नहीं तो बोलता कि मम्मी बहुत टेस्ट है क्या रे, खाओ ठीक है तो मछली खाओ। देखिए इधर मछली और चावल और दाल रियांश के लिए हम निकाल लिए हैं, जा रहे हैं देने के लिए बाबू को दे देते हैं खाने के लिए। रियांश लो खा लो, क्या नहीं खाएगा? उसके पास चॉकलेट है, बोल रहा है मम्मी पहले हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हम चॉकलेट खाएंगे क्या? आ जाओ ठीक है, पहले आओ साइकिल उधर करो, चलो आ जाओ, बैठो यहाँ बैठो, बैठो यहाँ हाथ धो के आ जाओ। हेलो दोस्तों, रियांश का पापा भी ड्यूटी से आ गया है, उसका पापा रियांश के लिए कुछ ला दिया है, रोज कुछ ना कुछ चाहिए रियांश को क्या रियांश? देखिए इधर इडली है और इधर चटनी है, व्हाइट चटनी। इधर हम अचार भी दिए हैं, अचार उसका फेवरेट है, अचार भी लिए हैं वो। इधर दौड़ रहा है, आ जाओ लो लेके चलो रे। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही तक, फिर मिलते हैं एक नया ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक बाय।